Now, today our topic is an expression in procreate. हमारा टॉपिक है ये बेसिक कि हम अभी तक क्या पढ़े थे. इंडक्शन जो ऑपेरॉन था उसको हमने कल कंप्लीट कर लिया. आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रेसिबल ऑपेरॉन. रिप्रेसिबल से हम कुछ क्वालिटीज हैं. तो जैसे कि हमें पता है कि रिप्रेसिबल जो ऑपेरॉन होता है इस कंडीशन में क्या होता है बेसिक, इसको हम टर्न ऑफ भी बोलते हैं. ठीक, इससे क्या फैमिलियर है? क्या नहीं, जो चीजें होती हैं वही में क्या होता है कि और ग्लूकोज हो गया तो इनका कोई वर्क नहीं होता. ठीक, और यहाँ पे कि जब रिप्रेसिबल ऑपेरॉन होता है तो उस समय और किस चीजें क्या होती हैं? बेसिकली उस समय लैक वाला वर्ल्ड, ये आपको कहाँ मिलता है? ये लैक ऑपेरॉन आपको ठीक. और हम बात कर रहे हैं अगर रिप्रेसिबल ऑपेरॉन की, तो रिप्रेसिबल ऑपेरॉन के केस में हमको क्या मिलता है? ट्राई मिलता है, इसको हम बोलते हैं ट्राइकोफेन. इसी वजह से बेसिक जो ये रिप्रेसिबल, सुनो इसके लिए क्या करना होगा कि जो ये रिप्रेसिबल ओपेरॉन है क्या होता है डीएन, कि ये थोड़ा सा इस पे कम फोकस किया जाता है. ठीक, बेसिकली ठीक, तो जो लैक ओपेरॉन तो बहुत फेमस होता है, और लैक ओपेरॉन जो होता है वो इंडक्शन केस में. बात करते हैं अगर रिप्रेसिबल ओपेरॉन के कंडीशन में क्या क्या लेके आता है ट्रायल. ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या आखिर ये है क्या. आवाज कट रही है फिर से. अच्छा आप बताओ. नाउ अगेन इट इज ब्रेकिंग. आई डोंट नो व्हाई इट हैपनिंग अगेन एंड अगेन, बट व्हाट आई डू आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. नो प्रॉब्लम, क्लियर है. चलो ठीक, तो ये हमने देख जो लैक है, ये लैक ओपेरॉन जो है ये कहाँ पे आएगा? इंडक्शन के केस में आएगा. एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द रिप्रेसिबल, तो रिप्रेसिबल के केस में क्या होता है कि उस समय रिप्रेसिबल ओपेरॉन ट्राई आता है. ठीक, जो कि लिखा हुआ है ट्राइकोफेन. तो जो लैक ओपेरॉन है वो किसका है? वो इंडक्शन का है. ट्राई होता है वो रिप्रेसिबल ओपेरॉन का होता है. जब भी आपसे पर्टिकुलर सिर्फ लैक ओपेरॉन, देखो कभी कभी क्या होता है ना, समटाइम्स क्या होता है कि पर्टिकुलर सिर्फ लैक ओपेरॉन पूछ लेते, पर्टिकुलर कभी कभी सिर्फ और सिर्फ रिप्रेसिबल ओपेरॉन पूछ लेता है. ये नहीं बोले इसने बोल जैसे कि ट्राई रिप्रेसिबल ओपेरॉन, ट्राई ओपेरॉन, तो उससे मैं आप समझ लेना कि आपको रिप्रेसिबल ओपेरॉन बताना है. लैक ओपेरॉन पूछ लिया तो आप समझ लेना कि आपको इंडक्शन वाला. ठीक, चलो प्रोसीड करते आगे की तरफ कि जो ट्राइकोफेन है ओपेरॉन हैज बीन एनालाइज्ड बाय, इसको किसने बताया था? तो इसको बताया था चार्ल्स योनोसफी. ठीक, इन्होंने बताया था, और इनके जो कॉलेजियस थे मतलब कि जो मतलब कॉलेज के जो मतलब स्टूडेंट्स थे उन्होंने बताया था. ठीक, साथ में मिलके इन्हें क्या कहते हैं कि जो रिप्रेसिबल है, और दो चीजें हैं, एक याद रखना आर, दूसरा क्या याद रखोगे? पी आर. ठीक, आर और पी आर. तो जो आर है वो क्या है? आपका रिप्रेसर है, और पी आर क्या है? रिप्रेसर प्रमोटर. ये दोनों जो है रिप्रेसर एंड रिप्रेसर प्रमोटर जीन आर लोकेटेड फार द फार फ्रॉम द ओपेरॉन. तो दिखता है पास में नहीं दिखता, ये फार दिखता है. ठीक है, लेकिन अगर हम इंडक्शन के केस में पढ़ते थे तो हमने जब भी देखा तो हमने क्या देखा था कि इंडक्शन में तो ऑपरेटर होता
प्रमोटर होता था, स्ट्रक्चर जीन होता था एसजी, उसी से आते हैं लेकर डर में। तो रिप्रेशर प्रमोटर है, मतलब पीआर होता है, उससे कहाँ लोकेट करते हैं, उससे दूरी पे लोकेट करते हैं। ठीक है, चलो आगे की तरफ ही देखते हैं। आगे की तरफ हम देखते हैं कि ट्राइफोन इज अ कोरिप्रेशर, जो ये होता है फोन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोरिप्रेशर बोलते हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें लैक में, तो लैक को कोई हम कोरिप्रेशर नहीं बोलते, क्योंकि जो लैक होता है वो क्या कंडीशन करता था, इंडक्शन के केस में लैक आता था ना, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि ये अपने साथ तीन स्ट्रक्चर जीन को लेकर चलता। ठीक, ये चीज आपको पता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्राई वाले केस में, तो ट्राई केस में क्या होता है कि इसको हम कोरिप्रेशर बोलते हैं। ठीक, तो इससे हमको ये पता चल गया कि हमारे पास इस समय तीन कंपोनेंट्स हैं। वो तीन कंपोनेंट कौन से हैं? पहला है रिप्रेशर, दूसरा है कोरिप्रेशर। ठीक है, ये तीन चीज हमारे पास है। कोरिप्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ये ट्राई लिख देना, टी आर वाई, शॉर्ट फॉर्म इसका यही है, ट्राई। ठीक, व्हेन, सॉरी इसका शॉर्ट फॉर्म ट्रैप है, जैसे कि आप देखो भी चीज याद करो, जब हम एक कल जस्ट पढ़े थे तो ग्लूकोज एबसेंट होगा, तो उस समय क्या होगा, ग्लूकोज एबसेंट वर्क करेगा। ठीक है, इंडक्शन का प्रोसेस चलेगा। हमने फिर पढ़ा था कि ग्लूकोज जब प्रेजेंट होगा तो इंडक्शन, कोई कोई इंडक्शन का वर्क नहीं होगा, और जब लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो जो इंडक्शन होगा बहुत स्लो होगा। ठीक, और मानो सिर्फ लैक्टोज और ग्लूकोज एबसेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट हो गया तो इंडक्शन करेगा, लैक्टोज अगर एबसेंट हो जाता था तो हमने कि ग्लूकोज नहीं होगा, मतलब सॉरी इंडक्शन नहीं होगा। ठीक, तो लैक बहुत इंपॉर्टेंट था। सेम इस कंडीशन हम क्या पढ़ते हैं कि अगर ट्रैप है तो उस समय क्या होगा कि जब ट्रैप एब्सेंट हो जाएगा तो उस समय जो रिप्रेशर है, क्या पढ़ा था कि जब हम ये पढ़ रहे थे कल कि जो या फिर सी ए हम ठीक, ये दोनों जो थे, जब ये थे तो हमने क्या पढ़ जा रहे थे, आरएनए पॉलीमरेज था, क्या वो बाइंडिंग कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था। हाँ, हम यहाँ पे रहे हैं, ट्रैप एब्सेंट हो जाएगा, जब ये ट्रैप एब्सेंट हो जाएगा तो उस समय क्या होगा। अच्छा ये कोई बताओ, ज्यादा आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी, नो इट इज ओके, अब ठीक है थोड़ा बहुत। देखो हमने क्या देखा था कि हमने ये देख, जब ट्रैप एब्सेंट हो जाएगा तो उस समय क्या होगा कि जो रिप्रेस वो बाइंडिंग काम नहीं करेगा। ठीक, जिसकी वजह से क्या आरएन है, सॉरी ऐसा नहीं बोलिए, जो आरएनए है, सो मरीज बाइंड टू द प्रमोटर, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर को बाइंड करेगा। अब एक चीज आप नोटिस करो, कल हमने ये पढ़ा था जब प्रोटीन एब्सेंट तो वो ऑपरेटर को बाइंड नहीं करता है, पॉलीमरेज था वो भी बता कर कि जो आरएनए इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्न कंडीशन। देखो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि जब ट्रैप एब्सेंट हो तो बाइंड नहीं करेगा, बाइंड नहीं कर रहा है जो होगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा। लेकिन फिर क्या पॉलीमरेज़ है वो उस समय क्या करेगा कि वो उस अगर ट्रैप एब्सेंट होगा तो जो हाँ वॉइस क्लियर नहीं आ रही है।
Now see. So basic चीज क्या है यहाँ पे कि अगर हम बात करें रिप्रेसिबल ओपरॉन की, ठीक, तो हमारा क्या टॉपिक है आज का? आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेसिबल ओपरॉन। तो जो रिप्रेसिबल ओपरॉन है इसमें क्या होता है कि इसमें हम ट्रैप यूज करते हैं, ठीक, ट्रैप यूज करते हैं। और अगर हम बात करें कि लैक, जो हम लैक वर्ड यूज करते थे, ये कहाँ पे यूज होता था? तो सिर्फ इंडक्शन के केस में यूज होता था, ठीक। लेकिन अगर हम रिप्रेसिबल ओपरॉन की बात करते हैं तो इस केस में हमारा ट्रैप यूज होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म है हमारा ट्राइफोइन, ठीक। इसको ये क्या बोलते हैं, तो रिप्रेसिबल ओपरॉन ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जिस ट्रैप को तो बेसिक चीज इसमें क्या है कि इस ट्रैप को किसने, तो अगर हम आने की, ठीक है, तो ट्रैप है इसको क्या कहते हैं, चार्ल्स यूनिवर्सिटी में बताया के साथ जो उनके कॉलेजियस थे, मतलब उनके साथ जो उनके मतलब काम करने वाले थे, उन्होंने बताया था, ठीक, उन्होंने इसको बताया था। अब बेसिकली क्या है कि अगर हम इसकी बात करते हैं, ट्रैप की बात करते हैं, तो ट्रैप प्रेशर, रिप्रेशर, प्रमोटर, ये क्या होते हैं कि ये दोनों जो हैं वो ये जो जीन्स हैं ये क्या कहते हैं, ओपेरॉन से दूर, ओपेरॉन से दूर दिखते हैं, ओपेरॉन के पास नहीं होते। वही जब हम लैग की कंडीशन पढ़ रहे थे, मतलब इंडक्शन की वाले कंडीशन पढ़ रहे थे, तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा था कि बेसिकली वो सारे के सारे ऑपरेटर से क्या होते थे, लिंक्ड होते थे। लेकिन इस कंडीशन हम क्या देखते हैं, रिप्रेसिबल की कंडीशन हम क्या देखते हैं, तो क्या होते हैं कि दूर होते हैं। हमारे पास इसमें तीन कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि अभी हमारा एक को रिप्रेसिबल भी आएगा, ठीक है, एक को रिप्रेशर आएगा। तो हमारे पास तीन कंपोनेंट कौन से आते हैं, पहला आता है आर जिसको हम बोलते हैं रिप्रेशर, आता है हमारा पी आर, पी आर क्या है, ये प्रेशर प्रमोटर, और तीसरा आता है को रिप्रेशर। इज माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू ऑल यू, ऑल ऑफ यू आर अनएबल टू सी माय स्क्रीन, बिकॉज आई गॉट दैट माय स्क्रीन इज विजिबल। ओके फाइन, ठीक। तो हमने क्या देखा कि इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं, वो तीन कंपोनेंट कौन से हैं, तो हमने तीन कंपोनेंट देखा कि पहला आर है, फिर उसके बाद पी आर है, उसके बाद को आर है, मतलब आर मतलब रिप्रेशर, प्रमोटर ऑफ रिप्रेशर, देन को रिप्रेशर, ये तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो ट्रैप है उसको हम को रिप्रेशर बोलते हैं, ठीक। तो ये जो ट्रैप है, ये जो ट्रैप वर्ड है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, को रिप्रेशर बोलते हैं। हम एक और चीज देखते हैं कि जब ये ट्रैप एब्सेंट होता है तो उस समय क्या होता है कि जो रिप्रेशर है, मतलब एक चीज याद रखो कि जो ट्रैप है वो किससे लिंक्ड है, ये किससे लिंक्ड है, तो ये रिप्रेशर से लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है, रिप्रेशर से। जिस वजह से अगर जब ट्रैप एब्सेंट होता है तो उस समय जो रिप्रेशर है वो क्या करता है, वो ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाता है, मतलब बाइंड मतलब उसको जोड़ नहीं पाता है, ठीक। लेकिन जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर को बाइंड कर लेता है। अब यही जब हम इंडक्शन के केस में पढ़ रहे थे तो हमने इंडक्शन के केस में क्या देखा था डियर, इंडक्शन के केस में हमने ये देखा था कि जो हमारा एक्टिवेटर प्रोटीन था, सीएपी या फिर सीएएमपी, कोई भी इसमें से, ठीक, जो हमारा एक्टिवेटर प्रोटीन था जब वो एब्सेंट हो जाता था तो वो ऑपरेटर को बाइंड नहीं करता था, और जब हमारा एक्टिवेटर प्रोटीन एब्सेंट हो जाता था तो उस समय क्या होता था कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी बाइंड नहीं कर पाता था, ठीक, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता था। लेकिन अगर हम रिप्रेशर के कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब रिप्रेशर ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाता है तो इसका कोई भी प्रभाव हमारे स्ट्रक्चर जीन पे नहीं पड़ता है। लेकिन
इसका हमको साफ मतलब दिख रहा है कि जब ये ट्रैप एब्सेंट होगा तो इसका ये साफ मतलब है कि रिप्रेशर बाइंड नहीं कर पाएगा और आरएनए पॉलीमरेज बड़ा आराम से चलेगा। ठीक, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को बाइंड करेगा, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर जीन है वो क्या करेगा, अपना ट्रांसक्रिप्टेंस का काम चलाएगा। ठीक, दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा हम पॉइंट ये देखते हैं कि जब ट्रैप प्रेजेंट होता है तो उस समय क्या होता है कि जो ट्रैप है वो क्या करता है कि रिप्रेशर के साथ रिप्रेशर और को रिप्रेशर को मिला के ऑपरेटर को बाइंड करता है। को रिप्रेशर कौन है हमारा, तो ये जो ट्रैप है यही तो हमारा को रिप्रेशर है। तो इस समय क्या होता है कि उस समय क्या होता है कि जब ये ट्रैप एब्सेंट होगा, तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जब ट्रैप एब्सेंट होगा तो जो रिप्रेशर है और को रिप्रेशर है वो प्रमोटर को बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक, सॉरी, ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ये प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में क्या होगा, क्योंकि हमने एक चीज देखा कि जो ये ट्रैप है मतलब को रिप्रेशर किससे लिंक्ड है, किससे जुड़ा हुआ है, रिप्रेशर से। जो काम ये दोनों मतलब ये दोनों एक साथ काम करेंगे, अगर ये दोनों एब्सेंट तो इसमें से ये एब्सेंट हो जाएगा तो ये काम करना बंद कर देगा। मतलब को रिप्रेशर अगर एब्सेंट हो गया तो रिप्रेशर काम करना बंद कर देगा, को रिप्रेशर अगर प्रेजेंट हो गया तो रिप्रेशर काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, देखो फिर इसमें हम क्या देखते हैं कि जब ये दोनों काम करेंगे, रिप्रेशर और को रिप्रेशर जब काम करेंगे, तो उस समय जो आरएनए पॉलीमरेज है अभी तक जो बाइंडिंग कर रहा था वो बाइंडिंग नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम टर्न ऑफ की कंडीशन बोलते हैं। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि कैसे टर्न ऑफ की कंडीशन बोलते हैं, कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स पड़ गया यहाँ पे। चलो कोई नहीं, देखो एक चीज नोटिस करो कि अगर हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा इंडक्शन के केस में, इंडक्शन के केस में हमने अभी तक ये पढ़ा था कि अगर ये जो कैंप था, जैसे कि हमारा जो सीएपी था, सीएपी क्या था हमारा, एक्टिवेटर जो प्रोटीन था, एक्टिवेटर प्रोटीन हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसके प्रेजेंट होने से ही, उसके प्रेजेंट होने से ही ट्रांसक्रिप्शन का काम होता था। प्रेजेंट मतलब टर्न ऑन, ठीक, याद रखो इसे, प्रेजेंट हो रहा है मतलब वो टर्न ऑन की कंडीशन ला रहा है। और यहाँ पे क्या है कि जब को रिप्रेशर, रिप्रेशर के केस में हम क्या पढ़ते हैं, रिप्रेसिबल के केस में, कि जो रिप्रेशर है जब वो एब्सेंट होगा, मतलब कौन, को रिप्रेशर एब्सेंट होगा, तो उस समय क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन का जो वर्क है, देखो बेसिक वर्क ना इस पे करता है डिपेंड, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है यही सब कुछ बताता है। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन कब होगा, जब रिप्रेशर और को रिप्रेशर एब्सेंट मतलब काम नहीं करेंगे तब ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जिस समय ये दोनों काम करेंगे उस समय पॉलीमरेज काम करना बंद कर देगा। और जिस समय अगर आरएनए पॉलीमरेज काम करना बंद कर दिया तो इसका मतलब साफ साफ हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का काम नहीं होने वाला है। ठीक, तो बेसिक अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये अभी जस्ट पढ़ा, जस्ट ऊपर हमने ये पढ़ा कि जो ये कहते हैं टीआरपी है, ये जो को रिप्रेशर है, जब को रिप्रेशर एब्सेंट हो जाता है तो जो रिप्रेशर है वो ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाता है। इसके बाइंड ना कर पाने की वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर को बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन का काम चलने लगता है। लेकिन जैसे ये एब्सेंट होगा, कौन, को रिप्रेशर जैसे ही, सॉरी, प्रेजेंट होगा, को रिप्रेशर जैसे ही प्रेजेंट होगा, इसके प्रेजेंट होते ही जो रिप्रेशर है वो को रिप्रेशर के साथ मिलकर ऑपरेटर को क्या करेगा, बाइंड कर देगा। और जब इसने बाइंड कर दिया साथ में मिलके रिप्रेशर और को रिप्रेशर जब साथ में मिलकर बाइंड करेंगे ऑपरेटर को, तो उस समय क्या होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर को बाइंड करना बंद कर देगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज काम करना बंद कर देगा तो स्वाभाविक सी बात है प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। और प्रोटीन बनना बंद होगा इसका मतलब ये है कि ट्रांसक्रिप्शन का जो काम चल रहा है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ये जो है वो प्रोटीन बनाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन का जो काम चल रहा है वो काम होना बंद हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या देखा कि जब ट्रैप प्रेजेंट होगा तो उस समय हमारा कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। और जब ट्रैप एब्सेंट होगा तो उस समय क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन का काम होगा और आरएनए पॉलीमरेज, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है आरएनए पॉलीमरेज चल रहा होगा तभी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। नाउ इन ट्रैप ओपेरॉन, ट्रैप ओपेरॉन में क्या होता है, द ऑपरेटर सीक्वेंस लाइज इंटायरली विद द ऑपरेटर रिजल्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ऑपरेटर का सीक्वेंस है
वो कहाँ पे आता है? वो प्रमोटर रीजन पे ही आता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हम देखते हैं इंडक्शन के केस में नहीं देखे थे। इंडक्शन के केस में क्या हो जाता था? वो ओवरलैप हो जाता था, याद है, ओवरलैप हो जाता था। लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है कि वहीं पे आके वो भी रहेगा, जहाँ ऑपरेटर सीक्वेंस रहेगा वहां प्रमोटर रीजन पे आके वो रहेगा, ठीक। दूसरा आप क्या है, अब देखिए डायग्राम से, डायग्राम समझो बहुत ज्यादा क्लियर करेगा। अब डायग्राम देखो, सबसे पहले आप देखोगे एक चीज, ये पहला डायग्राम है कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन कौन से हमारे, तो पहला है हमारा प्रमोटर, दूसरा ऑपरेटर, फिर तीसरा लीडर, देन एंटीडेटर। इसका कोई मतलब नहीं है वैसे में, लेकिन देखो अब जो हमारा प्रमोटर और ऑपरेटर है इस पे हम बात करते हैं। अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा कि दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक, ये देखो दोनों एक साथ हैं। लेकिन इंडक्शन के केस में हमने क्या पढ़ा था, ओवरलैप होगा। इसके केस में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये चारों जब एक साथ मिल रहे हैं, ये चारों जब एक साथ आ रहे हैं, तो एक साथ आने के बाद ये क्या कर रहे हैं, देखो एक साथ जब आ रहे हैं तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, आर क्या है, ये रिप्रेशर है, ठीक। ये क्या है, स्ट्रक्चर जीन है पूरा, और ये रेगुलेटर रीजन है। रेगुलेटर रीजन क्यों हुआ, ये रेगुलेटर रीजन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर, ऑपरेटर, लीडर और एनोटेटर, ये तीन चीजें, ये चार चीजें, इसकी वजह से ये क्या हुआ, इसको रेगुलेटर रीजन, मतलब रेगुलेटर रीजन मतलब कोई चीज रेगुलेट करना, उसको चलाना, चलाने वाली चीज को हम चलाने वाला एरिया बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि समझो कोई ट्रेन है, तो उस ट्रेन में जो आगे का सिस्टम होता है, जो मतलब इंजन होती है, तो उसको हम इंजन ही बोलते हैं, इंजन से तो पूरी ट्रेन चलती है ना। तो सेम उसी तरह ये जो रेगुलेटर रीजन है, इसी रेगुलेटर रीजन से क्या होगा कि पूरा के पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक। समझो ये ट्रेन है और ये ट्रेन का ये इंजन है, जो रेगुलेटर रीजन है वो इंजन है इसका, ठीक। और ये जो बाकी सब दिख रहे हैं ई डी सी डी ए, सब क्या है, ये सब स्ट्रक्चर जीन, ठीक। आप एक और चीज हम आपको बता देते हैं, आपको ये बताते हैं कि इंडक्शन के केस में क्या था कि सिर्फ जो जीन का स्ट्रक्चर था वो तीन था, ठीक है। अब वो तीन स्ट्रक्चर कौन थे आपको पता होना चाहिए, बीटा ग्लाइकोसाइड वाला, यही वाला तीन था सिर्फ। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी केस की बात करते हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट अ रिप्रेशर केस, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक तीन ही इसके फिक दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, ठीक, जीन के सेट होते हैं पूरे। तो देखो ये जो रेगुलेटर रीजन है ये, और ये जो स्ट्रक्चर जीन, ये दोनों किसके अंडर में आते हैं, ओपेरॉन के। अब देखो अगर आपसे कभी एग्जाम में आए कि व्हाट इज ट्रैप ओपेरॉन, ट्रैप ओपेरॉन की कंडीशन में आप डिफाइन करो, डिफाइन ट्रैप ओपेरॉन, तो ट्रैप ओपेरॉन इस तरह से डिफाइन करोगे, ट्रैप ओपेरॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर जीन, ठीक, ये बताओगे। उसके बाद फिर कहोगे इट इंक्लूडेड रेगुलेटर जीन एंड स्ट्रक्चर जीन, और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलेटर रीजन और स्ट्रक्चर जीन, ठीक, ये था। यही जब हम लैक ओपेरॉन की कंडीशन पढ़ रहे थे, तो उस समय क्या था हमारा कि वो अपने साथ कौन कौन से कंपोनेंट को लेके चलता था, तो वो अपने साथ सीएपी मतलब एक्टिवेटेड प्रोटीन कंपोनेंट को लेके चलता था, और अपने साथ आरएनए पॉलीमरेज को लेके चलता था, ठीक, उसको हम लैक ओपेरॉन और स्ट्रक्चर जीन ये भी रहता था, तो वो कौन सा कहलाता था, वो हमारा लैक ओपेरॉन कहलाता था। लेकिन ये जो ट्रैप ओपेरॉन है, ट्रैप ओपेरॉन में क्या है कि अपने साथ क्या क्या लेके चलता है, स्ट्रक्चर जीन को लेके चलता है। देखो एक चीज याद रखना, डायग्राम से ही आप डेफिनेशन बना लोगे, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। अब डायग्राम आपको पता है, डायग्राम में आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर जीन आ रहा है और रेगुलेटर जीन आ रहा है, तो आप साफ बता दोगे कि ट्रैप ओपेरॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर जीन एंड रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर रीजन, ठीक, इतना बता दोगे आपका खुद ही आंसर हो गया कंप्लीट कि ट्रैप ओपेरॉन है क्या, ठीक। अब देखो ये चीज क्लियर हो गया हमारा, जब हमारा ये क्लियर हो गया तो हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो आपको ये देखो ये कंडीशन, जैसे कि कल हमने ग्लूकोज एब्सेंट और ग्लूकोज प्रेजेंट वाली कंडीशन पढ़ी थी, सेम यहाँ पे भी है। अब जब ट्रैप एब्सेंट होगा, अभी तक हमने थ्योरेटिकल वर्ल्ड में क्या पढ़ा कि जब ट्रैप एब्सेंट होगा तो इसका मतलब है जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या करेगा, वो वर्क करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन वर्क कर रहा है इसका मतलब ये है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या कर रहा है, आरएनए जो पॉलीमरेज है वो बाइंडिंग का काम कर रहा है, ठीक।
मतलब टिक कर देना, तो उसका मतलब यह है कि ये बाइंडिंग का काम कर रहा है। लेकिन जब ये क्या कहते हैं ट्रैप प्रेजेंट हो जाएगा तो उस समय आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग का काम नहीं करेगा। ठीक, एब्सेंट है तो ये बाइंडिंग का काम कर रहा है, प्रेजेंट होगा तो बाइंडिंग काम नहीं करेगा। स्ट्रक्चर जीन आर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये एब्सेंट है, स्ट्रक्चर जो जीन है वो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। और ट्रांसक्रिप्टर कैसे हो रहा है, क्योंकि जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग काम कर रहा है प्रमोटर को, तभी ये क्या कहते हैं बाइंड कर रहा है। अब ये देखो, ये जो डायग्राम देखो, डायग्राम देखो ध्यान से, ये जो डायग्राम देखो जिसमें ये क्या कहते हैं ऐसे एरो बाहर निकला हुआ है, ये डायग्राम का मतलब ये है यहाँ पे डियर कि ये क्या है, ये आपके ट्रैप को शो कर रहा है, ये कोऑपरेटर है। ठीक, इसी स्ट्रक्चर के आगे क्या कहते हैं यूज होगा बहुत। और ये क्या है, ये आके किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा बाइंडिंग साइट से। ठीक, ये क्या है, ये बाइंडिंग साइट का डायग्राम है, और ये जो है किसका डायग्राम है, ये कोऑपरेटर डायग्राम है। और ये जो बाइंडिंग साइट है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेशर प्रोटीन। ठीक, जैसे कि हमने इंडक्शन प्रोटीन पढ़ा था, याद है ना, इंडक्शन प्रोटीन वही एक्टिवेटर वाला एक्टिवेटर प्रोटीन, तो सेम इसी तरह ये क्या है, रिप्रेशर प्रोटीन है। ठीक, अब जब ट्रैप एब्सेंट होगा तो उस समय का भी देखो, अभी तक हमने देखा, अब इसका हम एक डायग्राम देखेंगे डिटेल करके, एब्सेंट कंडीशन में कैसे हो रहा है, फंक्शन कैसे कर रहा है। अब आपको पता है कि पी मतलब क्या है, प्रमोटर, ओ मतलब क्या है, ऑपरेटर, एल मतलब क्या है, लीडर, ए मतलब क्या है, इंडिकेटर, आर मतलब क्या है, रिप्रेशर। ठीक, और ये जो सारे वर्ड्स दिए हैं ये क्या है हमारे, ये एसजी है, मतलब स्ट्रक्चर जी है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि जो रिप्रेशर है, ये रिप्रेशर है हमारा, ये क्या करेगा कि यहाँ से आके यहाँ पे जुड़ने का काम करेगा। ठीक, ये जो ऑपरेटर और प्रमोटर है यही दोनों क्या कहते हैं, जब एब्सेंट हो रहा है तब तब की ये बात चल रही है। अब ये क्या करेगा, हमने एक थियोरेटिकल वर्ल्ड में पढ़ा कि जब क्या कहते हैं रेगुलेटर है और अगर ट्रैप एब्सेंट है, अगर ट्रैप एब्सेंट हो गया, अभी हमने जस्ट यही वर्ल्ड में पढ़ा कि अगर ट्रैप एब्सेंट हो गया तो जो ऑपरेटर है और प्रमोटर है उस समय क्या होगा कि जो रिप्रेशर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, उस समय ये बाइंडिंग का काम नहीं कर पाएंगे ऑपरेटर में। ठीक, हमने यही पढ़ा ना कि जो को रिप्रेशर है और रिप्रेशर है, मतलब जो ट्रैप ट्रैप है और ये कहते हैं ये जो आर है टीआरपी है और जो आर है ये दोनों क्या कहते हैं, अगर टीआरपी एब्सेंट हो गया तो आर जो है वो ऑपरेटर को क्या करेगा, बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक, लेकिन और जब ये बाइंड नहीं कर पाएगा तब हमारा ट्रांसक्रिप्शन क्या कहते हैं प्रोसीड होगा, मतलब आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा। तो एक बार माइंड में आप खुद बताओ कि अगर ये कहते हैं टीआरपी जो है वो एब्सेंट रहेगा तो आर काम नहीं करेगा, मतलब रिप्रेशर काम नहीं करेगा। ठीक, और जब रिप्रेशर काम नहीं करेगा तो उस समय क्या होगा कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो काम करेगा। और आरएनए पॉलीमरेज काम करना तो इसका मतलब साफ साफ है कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो मतलब प्रोटीन बन रही है। ठीक, लेकिन अगर टीआरपी एब्सेंट ना हो, ये प्रेजेंट हुआ मतलब टीआरपी प्रेजेंट है, तो जब टीआरपी प्रेजेंट है तो उस समय जो रिप्रेशर है वो क्या काम करेगा, उस समय जो रिप्रेशर है वो बाइंडिंग का काम करेगा क्योंकि वो प्रेजेंट है। और याद रखना कि अगर टीआरपी प्रेजेंट है तो उस समय क्या होगा, टीआरपी प्रेजेंट होने की कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो काम नहीं करेगा, मतलब आरएनए पॉली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसके एंड। तो देखो है कि टीआरपी एब्सेंट का मतलब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का काम होगा तो इसमें क्या है, अलोन कैन नॉट बाइंड द ऑपरेटर, रिप्रेशर ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि टीआरपी एब्सेंट है। ठीक, और जब ये बाइंडिंग का काम नहीं करेगा तो उस समय जो ट्रांसक्रिप्शन का वर्क है वो क्या होगा, वो प्रोसीड होगा। ठीक, ये जो क्या दिख रहा है, अब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ेगा, इसमें क्या लिखा होगा, देखो रिप्रेशर इनएक्टिव, रिप्रेशर इनएक्टिव है, कैन नॉट बाइंड द ऑपरेटर, क्यों इनएक्टिव है, बिकॉज टीआरपी इज एब्सेंट, सो दैट जब टीआरपी एब्सेंट है तो रिप्रेशर इनएक्टिव हो गया, वो बाइंड नहीं कर पाएगा अकेले, जिसकी वजह से जो आरएनए है वो
आरएनए पॉलीमरेज़ है वो काम करेगा और ट्रांसक्रिप्शन का जो वर्क है वो आगे बढ़ेगा। ठीक, अब ये देखो, जब ये जो ट्रैप है ये प्रेजेंट हो गया, मतलब ट्रैप क्या है हमारा, कोऑपरेटर। ये हमको पता है कि ट्रैप का जो दूसरा नाम है वो क्या है, ट्रैप इज ऑल्सो नोन एज कोऑपरेटर। तो जब ये ट्रैप प्रेजेंट हो गया, इसका मतलब साफ है कि जब ट्रैप प्रेजेंट हो गया तो रिप्रेशर जो है वो वर्क करेगा, और जब रिप्रेशर वर्क करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं करेगा। ठीक, और जब आरएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जब ट्रैप प्रेजेंट होगा तो उस समय क्या होगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन का काम वो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक, इसमें क्या है, देखो स्ट्रक्चर जीन ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस्ड, मतलब जो स्ट्रक्चर जीन है अभी तक हो रहा था ट्रांसक्रिप्शन का काम, उस पर दबाव पड़ा और वो रुक गया। रिप्रेस्ड मतलब होता है रुक जाना, वही बंद हो जाना। ठीक, वो रुक गया, शांत हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रैप के प्रेजेंट होने से क्या हुआ, अब ट्रैप प्रेजेंट है, अब ये जो तो ये हमारा क्या था, ये ट्रैप ही तो था ना हमारा, ये ट्रैप का डायग्राम था। अब ये ट्रैप क्या हुआ कि रिप्रेशर से आके जुड़ा, ज्वाइन हुआ, सी यहाँ पे आके ये जुड़ा और ज्वाइन होके वहां पे जाके एक्टिव हो गया, जुड़ गया। अब जब ये जुड़ गया, जो ऑपरेटर से ये जुड़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो नहीं करेंगे काम, और वो ना काम नहीं करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन काम नहीं होगा, वो बंद हो गया ट्रांसक्रिप्शन का काम। ठीक, यहाँ पे क्या लिख रहा है, ट्रैप रिप्रेशर, जो ट्रैप का रिप्रेशर है, मतलब कि ट्रैप और रिप्रेशर, मतलब कोऑपरेटर, को रिप्रेशर और रिप्रेशर, जो टीआरपी है और आर है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या किए कि इन्होंने कॉजिंग एसिलेटिक ट्रांजिशन, इन्होंने क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला। प्रेशर डालने की वजह से क्या हुआ कि जो ट्रांसक्रिप्शन का काम था जो चल रहा था वो बंद हो गया, आरएनए पॉलीमरेज बंद हो गया, प्रोटीन बनना बंद हो चुका है, अब नहीं बनेगा। अब तब बनेगा जब ट्रैप फिर से एब्सेंट होगा, जब जब ट्रैप प्रेजेंट होगा तब तब रिप्रेशर क्या कहते हैं, जब जब ट्रैप प्रेजेंट होगा तब तब रिप्रेशर और ट्रैप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन का काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ट्रैप एब्सेंट हो जाएगा, ना मौजूद रहेगा ट्रैप, जब मौजूद नहीं रहेगा तो उस समय क्या होगा कि रिप्रेशर अकेले ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर को जोड़ नहीं पाएगा, बंद नहीं कर पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा उससे, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन का काम है वो होगा। ठीक, अब एक और चीज देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रैप ऑपेरॉन, ट्रैप ऑपेरॉन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, तो बेसिकली ये देखो, मैट ई, ट्रैप आर, ट्रैप आर आपको पता है क्या है ये, ठीक, लैक ऑपेरॉन, यहाँ पे ये जो है ना ये पूरा एक्शन जुड़ा हुआ है, देखो सब एक साथ है, फिर ट्रैप ऑपेरॉन, हिज ऑपेरॉन, कितने सारे ऑपेरॉन है, इसमें से हम सिर्फ दो की स्टडी कर रहे हैं समय, एक लैक ऑपेरॉन और एक ट्रैप ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन हम पढ़ चुके हैं, ट्रैप ऑपेरॉन हमारा चल रहा है, प्रोसीडिंग में है, तो जो कितने सारे ऑपेरॉन है, ये है ट्रैप ऑपेरॉन जिसकी हम स्टडी समय कर रहे हैं, और ये लैक ऑपेरॉन जिसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक, यहाँ पे देखो क्या है, अगर आप इसको नहीं भी बनाओगे ना तभी भी काम चल जाएगा, क्योंकि बड़ा पौच पौच हो जाएगा, क्रोनोजोमिक एसिड, एंथोसिलिक एसिड, प्यार, इतना मत पढ़ना, बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करना, इस वाले पेज को मत उठाना, अगर आपको बनाना ही है तो सिर्फ एक मिनट बनाना ही है तो सिर्फ यही बनाना, ये जो डायग्राम दिया यही बनाना, बस इससे ज्यादा मत बनाना, इससे जितना ज्यादा करोगे उतना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ये बेसिक चीज है, इसको आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक, अब ये बताओ